आज दोस्तों आपको एक खास रेसिपी दिखाता हूँ नवरात्रों की, जो कि है साबूदाना सैंडविच। ना इसमें ज्यादा घी तेल का इस्तेमाल है, ना ही डीप फ्राइड है। बहुत कम सामान से बहुत जल्दी ये बन जाता है दोस्तों। सच में बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी दोस्तों ये रेसिपी। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि साबूदाना मैंने कैसे भिगाया है। मैंने यहाँ पर 2 कप साबूदाना का इस्तेमाल किया है और उसको एक बार अच्छे से पानी से धोया है। एक से ज्यादा बार धोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साबूदाना अपना स्टार्च छोड़ता रहता है। एक बारी धोकर फिर आप साबूदाना में बहुत थोड़ा सा पानी डालना, बस इतना कि उसको जस्ट कवर कर रहा हो, बल्कि उससे भी कम ही, और ऐसे इसको छोड़ देना लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। साबूदाना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा और एकदम खिला खिला बनकर आएगा दोस्तों। इस सैंडविच में मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप नवरात्रों में टमाटर नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, टमाटर एक सब्जी नहीं है, एक फ्रूट होता है। साथ में मैंने पनीर का इस्तेमाल किया है सैंडविच में। और टेक्सचर के लिए आप यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली जरूर कूट कर यूज करना, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ उबले हुए आलूओं को मैश करके बना देना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इंश्योर करेगा कि जो आपका सैंडविच है वो अच्छे से बाइंड करे और एकदम इवन टेक्सचर आए। आप यहाँ पर लगभग 4 उबले हुए आलूओं को, मीडियम साइज के आलू, उनको ऐसे घिसना जरूर। घिसने से बहुत ही इवन टेक्सचर आएगा और सैंडविच जो है वो इक्वली ज्वाइन हो पाएगा, सही से जुड़ पाएगा। उसके साथ साथ मैंने एक आलू को, सिर्फ एक आलू को ऐसे क्रश करके डाला है। भाई फील भी तो होना चाहिए, सैंडविच में आलू भी है। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर घिसी हुई अदरक डाली है, भर के हरी मिर्चें डाली हैं, मेरे को स्पाइसी बहुत पसंद है इसलिए ज्यादा डाली है। फ्रेश कटा हुआ धनिया जरूर डालना, थोड़ा सा जीरा और सेंधा नमक, ये आपने डालना है दोस्तों। इसके साथ साथ क्रश करी हुई मूंगफली और भर कर मैंने काली मिर्च डाली है। नवरात्रों में अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं खाते तो आप आराम से उसको स्किप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बस इन सब चीजों के ऊपर आप भीगा हुआ साबूदाना डाल देना और आप देखो मेरा साबूदाना का एक एक दाना कितना खिला हुआ है दोस्तों। ये बहुत जरूरी है ताकि एकदम खिला खिला सा सैंडविच बने, देखने में भी अच्छा लगेगा और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। आप यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से मिला देना और सीधा ही अब सैंडविच को असेंबल करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक गैस वाले सैंडविच मेकर में बनाया है, तो सबसे पहले आप एक लेयर लगा देना इस साबूदाने के मसाले की और इसको चम्मच से हल्का सा एकदम इवन आउट कर लेना। बीचों बीच मैंने यहाँ पर पनीर रखा है और टमाटर के ऐसे स्लाइसेस डाल दिए हैं। ये सैंडविच को पकने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है दोस्तों, नहीं तो आपका सैंडविच एकदम कच्चा बनेगा। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ क्या है वो, लेकिन आप यहाँ पर पनीर और टमाटर के ऊपर सेंधा नमक और काली मिर्च जरूर डाल देना, नहीं तो फ्लेवर बहुत ब्लैंड कर देंगे, बिठा देंगे एकदम फ्लेवर को। एंड में बस मैंने एक की ली है साबूदाना की, उसको अच्छे से प्रेस किया है, फ्लैट कर दिया है और फिर यहाँ पर टमाटर और पनीर को कवर कर दिया है। बिल्कुल इवनली सेट कर लेना दोस्तों, और ध्यान रहे आपके सैंडविच मेकर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ये, ताकि जब प्रेस हो अच्छे से तो बहुत अच्छे से पक पाए। अगर कहीं पर भी कम होगा तो वहां पर कुकिंग सही से नहीं हो पाएगी। बंद करके आप सीधा ही इसको ट्रांसफर करना गैस पर। अब मुझे पता है आपका क्वेश्चन ये होगा कि भरत भाई इसमें घी तेल किसी भी चीज का यूज नहीं करना क्या, ऐसे ही पक जाएगा? दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगा कि इसमें घी तेल शुरुआत में बिल्कुल मत डालना, पहले सेट होने देना और फिर ही डालना, देखना ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। और वो जो मैं आपको बात बोल रहा था ना, बहुत जरूरी है, पहले बहुत जरूरी बात यह है दोस्तों कि जब हम ऐसे कम तेल में पकाते हैं तो साबूदाना को पकने में टाइम लगता है, आराम से अंदर तक हीट पहुंचने में टाइम लगता है, तो इसको आराम से पकाना। क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा घी तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप इसको आराम से 2 से 3 मिनट एक साइड पकने देना, फिर पलटना और फिर 2 से 3 मिनट दूसरी साइड भी अच्छे से पकने देना। जब आप पलटोगे ना तो आप खुद ही देखना कि जो आपका सैंडविच है उसकी एक लेयर पक चुकी होगी। अब आपने दोस्तों थोड़ा सा देसी घी डालना है, पहले मत डालना, पहले डालोगे तो पकाते पकाते आपकी गैस बर्बाद हो जाएगी, घी टपक के बहने लगेगा, तो ध्यान देना दोस्तों इस बात का, बाद में लगाना ताकि और भी क्रिस्पी रिजल्ट आए। ऐसे ही 2 से 3 मिनट पकाया है और फिर पलट के मैंने दूसरी साइड में भी घी लगा दिया है और इसको भी लो फ्लेम पर पकाकर करारा कर लिया है। दोस्तों साबूदाना को पकने में टाइम लगता है और क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा घी तेल नहीं यूज कर रहे, तो इसलिए आपको यहाँ पर आराम आराम से पकाना होगा। हर एक सैंडविच में आपको 10 मिनट लग जाएंगे और बस 10 मिनट बाद ही इतना अमेजिंग नाश्ता आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही डिफरेंट टेस्ट करता है नॉर्मल साबूदाना वड़े से, क्रिस्पी भी है और मैं आपको अगर अंदर से दिखाऊं तो बहुत ही अमेजिंग है।
अगर आप इसको सैंडविच मेकर में बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हो इनको, और इसमें भी 10 से 12 मिनट लगेंगे लेकिन बहुत ही टेस्टी रिजल्ट आता है दोस्तों। ये देखो मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ, इसके अंदर भी मैंने टमाटर और पनीर को भरा है ना दोस्तों, एकदम यूनिक रेसिपी नवरात्रों के लिए। तो अगर आपके घर पे भी व्रत का खाना बनता है तो इन नवरात्रे आप ये स्पेशल सैंडविच की रेसिपी जरूर ट्राई करके देखना, बहुत ही डिफरेंट है। और इसके साथ अगर आप और यमी यमी चटनियां बनाना चाहते हो तो आप ये रेसिपी देखना, आपके बहुत काम आएगी। हैप्पी नवरात्रि दोस्तों।